अभी इंस्टाग्राम मेरा है 5.3 मिलियन, यूट्यूब है 5.6 मिलियन, फेसबुक है 3.1 मिलियन। ऑडियंस भी जानना चाहती है आपकी सबसे पहली वायरल वीडियो कौन सी थी? सबसे पहली मेरी 2018 में कुछ सितंबर अक्टूबर के बीच में थी, जो सबसे पहले टिकटॉक पे वायरल हो गई थी। मैं खा रहा था मलेशियन राइस। मैंने ऐसा मलेशियन राइस पकड़ा था, एकदम जबरदस्त था। और मैंने बाइट लिया मलेशियन राइस का, मैंने बोला क्लियर एकदम मलेशियन राइस, वो खाया। और जब भी चिकन लेग पीस उठाया तो मुंह में राइस था, तो चिकन लेग पीस मेरा प्रॉपर आया नहीं था वर्ड। चिकन लेग पीस ही बोला था, लेकिन सब लोगों को सुनाई दिया चिकन लेग पीस, ऐसा पीस की जगह बीस। वो वीडियो बाहर कंट्री में इतना वायरल हो गया कि वो वीडियो पे कम से कम 1,00,000 ड्यूट बने थे। किसी ने पोस्टर लगाया था, किसी ने ऐसे बैनर लगाए थे टीवी पे, ये करके मेरा वीडियो चला के नाच रहे थे लोग। तो वो मेरा सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था। एक बार वायरल हो गया, आपको डायरेक्शन मिल गई, मेरा ये वाला कंटेंट चल रहा है, तो लोग खाते देखते। तो सबसे पहले मुझे टिकटॉक वालों ने ऑफिस में बुलाया, बांद्रा में गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मतलब आइडिया कहाँ से आया। मैं बोला आइडिया तो था ही नहीं, मैं कम से कम 20-25 साल से चिकन लेग पीस खा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि फूड कैटेगरी में टिकटॉक पे कोई भी नहीं है फिलहाल, तो आप इसको कर सकते हैं, डेली के 2-3 वीडियो डालूँ। मैं बोला इतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डेली का मैं एक वीडियो डाल सकता हूँ। चलो ठीक है, खाना ये शुरू कर दिया, उसके बाद आपने टिकटॉक यहाँ पे उस पर बड़ा नाम हुआ, पर फिर अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया टिकटॉक, बंद हो, चाइना वाला क्लेश हो गया। तो उसके बाद नए प्लेटफॉर्म पे आना और फिर से मचा देना, वो कितना बड़ा ट्रांजिशन था? अभी ये एक्चुअली टिकटॉक म्यूजिक ले आया, मुझे सोशल मीडिया के बारे में सच बताओ कुछ भी पता नहीं था, ना मेरा इंस्टाग्राम था, ना मेरा फेसबुक था, ना मेरा यूट्यूब था, कोई भी सोशल मीडिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब भी टिकटॉक पे 15 सेकंड आधा मिनट का वीडियो बनाना था, मुझे बड़ा मजा आता था। फिर बाद में बंद हो गया। सब लोगों ने मेरे साथ जो टिकटॉक पे थे, मेरे टिकटॉक पे 7 मिलियन थे, तो मेरे से आगे वाले पीछे वाले सब लोग लाइन से इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, फेसबुक पे आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ क्या चल रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। रात के एग्जैक्ट मैं राह देख रहा था, टिकटॉक 12:30 बजे बंद होने वाला था, और रात के एग्जैक्ट 1 बजे मुझे अभी भी वो रात याद है, मैं सोया नहीं था, 1 बजे मेरे मोबाइल में टिकटॉक बंद हो गया। बंद हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि चलो आज बंद हो गया, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। 15 दिन मैंने कंटिन्यू टिकटॉक ओपन करके देखा तो टिकटॉक नहीं आया। फिर उसके बाद में मैंने सोच लिया कि मैं कहीं पे भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर जो मेरा कैमरामैन है गणेश और अमित, जो बिना पैसे का मेरे पीछे भागते थे, मेरे साथ वीडियो बनाते थे, कुछ भी उनको मतलब कुछ भी चाहिए नहीं था कि मेरे से उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वो मेरे घर पे आए और उन्होंने बताया कि दादा देखो टिकटॉक बंद हो गया, अभी हमें नहीं लगता आ जाएगा, तो अपन थोड़ा सा आगे जाते, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके बारे में सोचते। मैं बोला मुझे नहीं करना है काम, इतना समझाया। तो फिर बाद में एक दिन ऐसा आया कि मैं समझ गया चलो अभी मेरे वजह से अगर इनका कुछ आगे जाके फ़ायदा हो जाएगा, तो ये दोनों के लिए मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब, फिर उसके बाद में 6 महीने के बाद फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम दोनों साथ में किया। 0 से 1-1 सब्सक्राइबर मैंने जैसा टिकटॉक पे मेहनत किया था, सेम 1-1 सब्सक्राइबर मैं सामने जाके बोलता था भाई यूट्यूब मैंने किया, लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला था, मैं सामने जाके बोलता था कि भाई मैंने यूट्यूब ये बनाया है, देखिए इसको सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो। तो वहाँ से मैंने 0 से स्टार्ट करके अभी इंस्टाग्राम मेरा है 5.3 मिलियन, यूट्यूब है 5.6 मिलियन, फेसबुक है 3.1 मिलियन।